ग्वालियर में मोहना इलाके के एक ढाबे से मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने अवैध शराब का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। यह कार्यवाही शिवहरे ढाबा पर की गई है, जहां पर एक इनोवा कार में आबकारी विभाग को भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर की बोतलें मिली हैं। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि मोहल्ला क्षेत्र में शिवहरे ढाबे पर अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, जिस पर टीम ने जाटव बस्ती की तो ढाबे के बाहर खड़ी एक इनोवा कार में अंग्रेजी शराब और बियर की 15 पेटी बरामद हुई है। हालांकि मौके से गाड़ी चालक फरार होने में सफल हो गया है, जिसके बाद इनोवा कार को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर उक्त कार चालक आरोपी का पता लगाया जा रहा है। घटना मिली थी, क्या पूरा मामला है, कैसे क्या क्या पेटी जब्त की गई है, किसके नाम से है, कहां जा रहा है? हमारे इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार सूचना मिल रही थी कि यहां ग्वालियर में अवैध मदरा का परमिट किया जा रहा है और अवैध मदरा की बिक्री की जा रही है। तो हमारे आज वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान नरेश चौबे उपायुक्त अबकारी एवं सहायक अबकारी आयुक्त श्री संदीप शर्मा ने एक टीम का गठन किया और टीम को ले जाकर स्वयं वहाँ पर मोहना पे इससे छापा डाला गया। इसमें शिवहरे ढाबा है, शिवहरे होटल है मोहना में, उस पर ये गाड़ी हमको मिली है, जिसमें दारू की पेटी जब्त की रखी गई और इसको कार्रवाई में पुनः ली गई। कोई आरोपी देख के भग गया है। किसके नाम से गाड़ी है, कितना गाड़ी अपने गूगल में जो सर्च किया है वो आशा शिवरे के नाम से है। कितना माल बरामद हुआ? 15-16 पेटियां माल है इसमें, भी है, स्प्रेड भी है। आंकलन कितना लगाया गया कि लाखों का माल है या हजारों का माल है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से लाखों का माल है जब्त किया गया। जब किसका माल है ये? अब माल की विवेचना लिया जाएगा ना, ये जो तो गाड़ी जब्त की गई है, गाड़ी में माल मिला है हमें, इसको अपने विवेचना मिलेगी। कहाँ सप्लाई करने जा रहे थे लोग? सप्लाई अब कहाँ खा रहे? ये अपना आरोपी फरार हो गया, मौके से भग गया, तो अपना आरोपी मिलेगा तब उसके बयान लिए जाएंगे। कहाँ से ले जा रहा था, किसके पास ले जा रहा था, ये जानकारी हमें मालूम बताऊँ।